देखिए घर पे आईने हैं, मतलब इतने कैरेक्टर्स जब तुम करते हो कि इंसान तुम्हें देखते हुए भूल जाता है कि ये तो विकी कौशल है, बिकॉज़ यू हैव जस्ट गॉटन इनटू दैट कैरेक्टर सो मच. तो आईनों की जरूरत है, यू आर लाइक ये अभी मैं सैम मानेकशॉ हूं. नहीं यार, एक एक्टर को आईना तो चाहिए, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं हम. नहीं पर ये आई थिंक 9 महीने जो ऐसे झुक के खड़े थे सैम की तरह, ही हैड फॉरगॉटन हाउ टू स्टैंड स्ट्रेट, ही हैड टू लर्न दैट अगेन कि अब मुझे सीधे खड़े होना है. बोलो ना. बोलो ना. नहीं मैं अगर मैं अपनी सैम की जर्नी के बारे में अगर कहूं तो इट स्ट्रेंजली स्टार्टेड विद राजी. हम पटियाला में शूट कर रहे थे राजी, और 2-3 दिन की छुट्टी थी, एंड वी वर होल्ड अप इन होटल जहां पहली बार मेघना ने जिक्र किया था कि यू नो मेरी अगली फिल्म, दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट, इट्स बेस्ड ऑन फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ. एंड और मैं सुन रहा था कि अच्छा यार ये फिल्म है, पर मैंने उनके बारे में किससे सुने थे मुझे ये नहीं पता था वो दिखते कैसे हैं. ठीक है, तो मैं बात सुनते सुनते ना नीचे मैंने मोबाइल पे गूगल किया कि ये दिखते कैसे हैं. फिर मैंने कहा ये तो बहुत हैंडसम है, मुझे तो ये रोल नहीं मिलेगा. तो फिर मैं फिर सिर्फ सुनता रहा, बट कहीं ना कहीं आई थिंक इन द यूनिवर्स तभी एक विश प्लांट हुई थी कि यार कहीं ऐसा एक रोल, बिकॉज शी स्पोक सो मच अबाउट दैट रोल एंड दैट लेजेंड, आई वाज लाइक वाओ व्हाट अ मैन, एंड आई विश इफ आई कुड जस्ट एट सम पॉइंट इन माय करियर गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस. एंड इन 2019 मे आई रिमेंबर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मेघना, शी लिव्स इन बैंड्रा एंड आई वाज जस्ट आई हैपन टू बी इन बैंड्रा. कहाँ हो, क्या कर रहे हो? कहा कुछ नहीं, मैं बैंड्रा में हूँ, घर आ जाओ कोल्ड कॉफी पीते. मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ. मैं चला गया एंड शी मेंशन्ड सैम बहादुर अगेन, एंड शी स्पोक अगेन इन डिटेल अबाउट सैम बहादुर द फिल्म, द पर्सन, फैमिली, आर्मी, एवरीथिंग. एंड पोस्ट हो रहा है करेक्ट. सो तो उन्होंने मुझे कहा मैं स्क्रिप्ट देती हूँ तुम पढ़ लो. मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, आपने मतलब आप मेरे बारे में सोच रहे हो, ये तो मैं कई सालों से मैंने यूनिवर्स में छोड़ा हुआ था कि आप सोचो मेरे बारे में, मैंने बोला नहीं था कभी, पर ये मैं कर रहा हूँ. उन्होंने कहा नहीं, तुम स्क्रिप्ट पढ़ लो. एंड दैट नाइट आई वॉज फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क, तो मैंने फ्लाइट में स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई वॉज वेटिंग कि कब ये 15 घंटे की फ्लाइट खत्म हो, मैं कॉल करूँ उतरते ही कि प्लीज आप कहीं इधर उधर मत देखना, अब मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ और वील स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस. सो दैट्स हाउ दिस जर्नी हैपेंड. एंड इन द बिगिनिंग हाउ शी सेड दैट यू नो वी ट्राइड टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ सैम मानेकशॉ through the process of the film, and I think in every little detail, chahe wo conception ho, scripting ho, jo taiyari 1-2 saal ki pre-production rahi hai, phir shooting ho or till the release, I think I'm very proud of the fact that humne it's not just a film we've made, of course at the end of the day it's a film we've made, but kahin na kahin hume unse bahut kuch seekhne ka mauka mila aur use hamari isi film ki journey mein इम्प्लीमेंट करने का भी मौका मिला. दैट डिसिप्लिन वॉज ऑलवेज दैट दैट आर्मी डिसिप्लिन दैट यू नो सेइंग दैट दिस फिल्म विल कम ऑन अ सर्टन डेट अ ईयर बैक एंड देन प्लानिंग अकॉर्डिंगली एंड देन कमिंग ऑन दैट डेट एंड स्टिकिंग टू ऑल द गोल्स दैट शी हैड मार्क्ड आउट सिंस अ ईयर दैट यू नो इस तारीख को ये खत्म होगा, इस तारीख को ये खत्म होगा और ऐसे होगा. सो दैट डिसिप्लिन दैट गॉट इम्बाइब्ड फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम सच अ कैरेक्टर दैट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ दैट वी गुड गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ.